नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी सरकार बनाने की तैयारी में जुटी कांग्रेस की, पीएम मोदी पर राहुल गांधी के तंज की, तेलंगाना में कांग्रेस की तैयारियों से बैकफुट पर आए केसीआर की, राष्ट्रगान के अपमान पर विपक्ष के निशाने पर आए बीजेपी विधायकों की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात लोगों को लगे महंगाई के झटके की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर फिर बेरोजगारी के लिए बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी सरकार में युवा बेहाल, मांगी नौकरियां मिली लाठियां। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा का बीजेपी पर गंभीर आरोप, कहा भाजपा के अब तक 2 ट्रक भर का नोट आ चुके हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के बीच मतभेद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा तमिलनाडु गवर्नर सीएम के साथ बैठकर बिलों की मंजूरी में देरी का मामला सुलझाएं। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 492 अंकों की तेजी के साथ 67,481 के स्तर पर हुआ बंद, निफ्टी 134 अंकों की तेजी के साथ 20,267 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, लेकिन काउंटिंग से पहले आए एग्जिट पोल से कांग्रेस में खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि पार्टी 4 राज्यों में सरकार बनाती नजर आ रही है। वैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर कहा जा रहा है कि मामला फंस भी सकता है। कांग्रेस को बढ़त मिलती तो दिख रही है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। ऐसे में कांग्रेस ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान बी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, हर जगह बीजेपी की हार के संकेत मिल रहे हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस 4 में से अकेले अपने दम पर सरकार में आ रही है, तो वहीं मिजोरम में भी वो गठबंधन के साथ सरकार बनाती दिख रही है। कांग्रेस कैंप में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन पार्टी ने हर तरह की स्थिति के लिए खुद को तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में पार्टी ने 72 सीटों का चार्टर्ड प्लेन बुक किया है। सभी उम्मीदवारों को साफ निर्देश दिए गए हैं, जीत का सर्टिफिकेट जैसे ही मिले वैसे ही रायपुर पहुंचे। यहां एक होटल भी पार्टी की ओर से बुक करा लिया गया है, जहां नव निर्वाचित विधायकों को ठहराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर विधायकों को बेंगलुरु में भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि वो 5 राज्यों के विधायकों के लिए बेंगलुरु में व्यवस्था करने को तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी चुनाव हारने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग में जुट सकती है। इस बीच तेलंगाना के विधायकों को भी बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस को सभी एग्जिट पोल में सरकार बनाते हुए दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में कुछ पोल कांग्रेस को तो कुछ बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं। ऐसे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 2 दिसंबर को पार्टी कार्यालय में कानूनी सलाहकारों की पूरी टीम बुला ली है। अगर किसी भी सीट पर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सके। इस बीच दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस को कम से कम 130 सीटें मिलेंगी। सरकार बनाने की तैयारी राजस्थान में भी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। अगर कुछ सीटें कम रह जाती है तो उसके लिए मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ ही वामपंथी दल बीएपी, आरएलपी सहित छोटे दलों से भी अभी से ही संपर्क साधना शुरू कर दिया गया है। साफ है इस बार कांग्रेस बीजेपी को कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है, और बीजेपी को उसी की रणनीति से मात देने की तैयारी कर चुकी है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, तो बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो राहुल गांधी ने भी मोदी की बढ़ा दी है। 5 राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने के बाद अब राहुल गांधी ने 2024 आम चुनावों को लेकर अपने एक्शन प्लान का खुलासा कर दिया है। राहुल गांधी ने बता दिया है कि कैसे 2024 में कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी तंज कसा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी केरल दौरे पर हैं, और आज राहुल गांधी एर्नाकुलम में उत्साह महिला कांग्रेस के राज्य सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सत्ता में महिला की कमी पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास महिला मुख्यमंत्री की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा लक्ष्य होगा कि अगर आज से अगले 10 सालों में हमारे पास 50% मुख्यमंत्री महिलाएं हों। हमारे पास बहुत कम महिला मुख्यमंत्री हैं, पर मुझे पता है कि कांग्रेस पार्टी में कई महिलाएं हैं जो एक अच्छी मुख्यमंत्री बन सकती हैं।
वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन पर जमकर कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में नेतृत्व करने वाले नेता सभी लाउड स्पीकर और कैमरे को अपनी दिशा में मोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन मैं माइक का मुंह जनता की ओर मोड़ना पसंद करता हूं। यह बयान राहुल ने प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को कांग्रेस की तरफ से आयोजित प्रियदर्शनी साहित्य पुरस्कार में दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ये यानी कि लाउड स्पीकर भीड़ की तरफ नहीं होता, क्योंकि हम खुद को बोलते हुए सुनना पसंद करते हैं। हर बार जब मैं वहां जाता हूं तो मैं लाउड स्पीकर को दूसरी तरफ मोड़ देता हूं। मुझे लगता है कि आज के भारत में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लाउड स्पीकर का मुंह दूसरी ओर किया जाए। अगर आप दिल्ली में अपने नेतृत्व को देखें तो सभी लाउड स्पीकर और कैमरे उन्हीं की दिशा में लगे होते हैं। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने नेताओं से लेखकों की तरह बनने की आकांक्षा रखने का भी आग्रह किया, जो अपने मन में आने वाले हर सच को बोल देते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने माना कि ये काम काफी मुश्किल है। राहुल गांधी ने अपने इन बयानों में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी तक पर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने साल 2024 को लेकर ये संकेत भी दे दिए कि उनकी रणनीति में महिलाओं की बड़ी भूमिका होने वाली है। राहुल गांधी मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। चुनौती तो रेवंत रेड्डी भी केसीआर के लिए बन गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होते ही गुरुवार को एग्जिट पोल सबके सामने आ गए और इन एग्जिट पोल में तेलंगाना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, या फिर कांग्रेस को बहुमत के बेहद करीब दिखाया गया है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से सवाल किया गया कि कांग्रेस की राज्य में सरकार बनेगी तो वो पहला काम क्या करेंगे। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से तेलंगाना विधानसभा चुनाव की गिनती शुरू होगी और दोपहर 12 बजे के करीब सरकार किस दल की बनेगी इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वैसे चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। राज्य में कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं अब कांग्रेस पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने साफ कर दिया है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले क्या किया जाएगा। रेड्डी ने कहा कि हम कांग्रेस की सरकार बनने पर पहले कैबिनेट में 6 गारंटी की मंजूरी देंगे, जिससे हमने जनता से जो वादा किया है उसे जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके। रेड्डी ने कहा कि ये चुनाव कांग्रेस बनाम बीआरएस नहीं था। केसीआर परिवार के खिलाफ राज्य के 4 करोड़ लोगों ने वोट किया है। ये तेलंगाना के लोगों की जीत और केसीआर के परिवार की हार है। हमें पूरा विश्वास है कि एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें हासिल करेंगे। कांग्रेस 80 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। बता दें कि रेवंत रेड्डी जून 2021 में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए थे। उन्हें प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने का श्रेय जाता है। रेड्डी की आक्रामक प्रचार शैली और धारदार बयान वाले नेता की छवि ने कांग्रेस को तेलंगाना में मजबूत किया है। हालांकि वो पहले बीआरएस में थे और अब वो सीएम पद के बड़े दावेदार माने जा रही हैं। रेवंत रेड्डी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है तो वहीं केसीआर खेमे में मायूसी देखी जा रही है। मायूस तो बीजेपी विधायकों ने भी किया है। खुद को राष्ट्रवादी बताने वाली बीजेपी के नेताओं पर अब राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा है। पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। इस मामले में घिरी बीजेपी की तरफ से अब भी सफाई आ रही है, तो कैसे राष्ट्रगान के अपमान के चलते घिर गई बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के 11 विधायकों के खिलाफ राष्ट्रगान के अपमान को लेकर FIR दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में TMC विधायक दल की ओर से बीजेपी विधायकों के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रगान का अपमान करने वाले विधायकों के खिलाफ उचित कदम उठाए जाएंगे। ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रगान के प्रति सम्मान नहीं दिखाया और उचित कार्रवाई शुरू की जा रही है। दरअसल TMC की ओर से की गई शिकायत में कहा गया कि CM ममता के नेतृत्व में केंद्र सरकार की बंगाल को लेकर भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे TMC विधायकों ने प्रदर्शन किया। पास में ही बीजेपी के विधायक भी बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में जब TMC के विधायकों ने राष्ट्रगान गाना शुरू किया तो बीजेपी विधायक नारेबाजी करने लगे, साथ ही घंटियां बजा रहे थे। ये सब सिर्फ 50 मीटर के दायरे में हो रहा था। TMC ने इस पूरे मामले का एक वीडियो फुटेज पुलिस को सौंप दिया है। अब बुरी तरह से फंसी दिख रही बीजेपी की ओर से सफाई आई है कि राष्ट्रगान बेहद धीमी आवाज में बजाया जा रहा था, जिस कारण से सुन नहीं पाए। फिलहाल अब बीजेपी के नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है। राष्ट्रगान के अपमान पर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। UCC का मुद्दा भी विपक्ष के निशाने पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने UCC लागू करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो लॉ कमीशन के पास जाएं और क्या कुछ बोला है हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान,
देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां यूसीसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी की कोशिश को हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने वाली याचिकाओं के एक ग्रुप पर आज सुनवाई की, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो कोई फैसला नहीं देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मुद्दे पर फैसला सुना चुका है, चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था। जज ने आगे कहा कि वे विधायिका के संबंध में कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर चुका है और याचिकाओं को खारिज कर चुका है। न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। कोर्ट ने याचिकाओं पर आगे की सुनवाई ये कहते हुए टाल दी कि कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी मौजूद नहीं हुआ और उपाध्याय को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में अपनी प्रार्थनाओं को रिकॉर्ड पर नहीं रखना है। पीठ में शामिल जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले पर फैसला कर दिया है, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को ये सूचित किया गया था कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की सभी धर्मों में तलाक, बच्चा गोद लेने और वसीयत की एक समान व्यवस्था की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारी में जुटी हुई है। जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां यूसीसी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी की कोशिश को हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने वाली याचिकाओं के एक ग्रुप पर आज सुनवाई की, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वो कोई फैसला नहीं देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मुद्दे पर फैसला सुना चुका है, चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था। जज ने आगे कहा कि वे विधायिका के संबंध में कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर चुका है और याचिकाओं को खारिज कर चुका है। न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है, हम इसके आगे नहीं जाएंगे। कोर्ट ने याचिकाओं पर आगे की सुनवाई ये कहते हुए टाल दी कि कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी मौजूद नहीं हुआ और उपाध्याय को अभी तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका में अपनी प्रार्थनाओं को रिकॉर्ड पर नहीं रखना है। पीठ में शामिल जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले पर फैसला कर दिया है, अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को ये सूचित किया गया था कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की सभी धर्मों में तलाक, बच्चा गोद लेने और वसीयत की एक समान व्यवस्था की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। 2024 चुनाव में यूसीसी बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इधर इंडिया बनाम भारत भी बड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। जी हाँ, जब से विपक्ष ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है तब से इंडिया बनाम भारत की राजनीति तेज हो गई है। नाम बदलने के दौर में NCERT का नाम भी आया था, वहीं अब एक और मामला सामने आया है जिसमें इंडिया बनाम भारत दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। विपक्षी दलों ने जब से अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है तभी से मोदी सरकार परेशानी में दिखाई दे रही है। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी और मोदी सरकार इंडिया नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पहले पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घमंडिया कहा तो बाद में इंडी गठबंधन कहना शुरू कर दिया और ये बीजेपी के डर को दिखाता है, क्योंकि बीजेपी इंडिया पर जितना निशाना साधती है इंडिया गठबंधन उतना ही मजबूत होता जा रहा है। बीजेपी और मोदी सरकार के डर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो इंडिया की जगह अब भारत बोलने लगे हैं, और सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, जहां जहां भी इंडिया शब्द लिखा गया है उसे भी बदलकर भारत करने में जुटे हैं। यहां तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अब सरकार प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहने लगी है। हर जगह इंडिया को बदलकर भारत किया जा रहा है और अब इसी कड़ी में नेशनल मेडिकल कमीशन के लोगो और इंडिया की जगह भारत कर दिया गया है। NMC ने अपने लोगो में इंडिया की जगह भारत और भगवान धन्वंतरी की रंगीन तस्वीर जोड़ दी है, जिसे विपक्ष लगातार मोदी सरकार का डर बता रहा है। तो वही NMC के अधिकारियों का कहना है कि इंडिया का नाम बदलकर भारत इसलिए किया गया है क्योंकि देश ने ऐसा किया है, इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। IMA केरल के अध्यक्ष डॉक्टर नूह ने NMC के लोगों पर कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जातिगत और धार्मिक विचार स्वीकार नहीं है क्योंकि ये पेशा धर्म और जाति से ऊपर है। अब देखना होगा कि इंडिया बनाम भारत के मामले में क्या होता है। इंडिया गठबंधन के बाद देखा, आम जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है तो युवा बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बीच आम लोगों को एक बार फिर महंगाई का जोरदार झटका लगा है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। गैस सिलेंडर के दाम में 21 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई कीमतें 1 दिसंबर से लागू होंगी।
ये बढ़ोतरी कमर्शियल सिलेंडर पर की गई है। नई कीमतें लागू होने के बाद अब दिल्ली में 19 किलो वाला गैस सिलेंडर बढ़कर 1,796.50 रुपए हो गया है। इससे पिछले महीने LPG गैस के दाम 1,775.50 रुपए प्रति सिलेंडर था। आम रसोई गैस सिलेंडर के दाम में ना तो राहत मिली है और ना ही कोई बदलाव किया गया है। सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो वहीं इसी बीच इस बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई मैन का चाबुक चलने लगा है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा किया गया। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने की पहली तारीख यानी कि 1 नवम्बर को भी LPG सिलेंडर के दाम में 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया था। ये बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों पर ही की गई थी। तो वहीं 1 अक्टूबर को LPG 1,731.50 रुपए थी, जबकि 1 नवंबर को इसके रेट 101.50 रुपए। रोज दिखते कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप सब? मैम कोशीवारा में क्या हो गया था, एक्सीडेंट वगैरह कुछ ऐसा हुआ? पता नहीं मेरा, पता नहीं कुछ हुआ था वहाँ पे, काफी ट्रैफिक था। एक लेके हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। एक केक लो। कैसे हो मैम? यहाँ पे आ जाओ। लो क्या मैम? आपके लिए केक लाए हुए। और उधर चलो, पीछे पीछे आ जाओ, पीछे मैम, थोड़ा लेफ्ट में आइए। हालांकि आप सबने मेरे लिए लाए हैं, बट ये सब आपके लिए है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। माचिस आसे ना देना, लाइटर लाइटर थे भाई। एक सेकंड मिनट अरे उमेश ढकेल मत मेरे। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो स्टार्टिंग सबको, छोटे छोटे भाई क्यों आपको भी नहीं? अच्छा फ्रेश पीस दो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खा लेंगे। थैंक यू, मैं तो खाऊंगी। इधर ले क्या बात। थैंक यू। हाँ बाइट करते हैं, बाइट कर ले मैम। एक मिनट, आराम से पहले सेट हो लो, आराम से उसके बाद करो। लगा लो। हो गए सर। एक मिनट, वेट नीचे आ रहे। ये उमेश पीछे पांडे जी कैसे जा रहा है? नीचे छोड़ दिया मैंने। अरे ढकलते रहता है। मैम सेंटर रुक जाएगा। ओके चलो आप भी ऊपर लेफ्ट साइड में आ जाओ। आप कहां से? यहां पे इधर आ जाओ। बस हां परफेक्ट। बोल या मैम आज एक नहीं दो शिफ्ट काम है आपको। पीछे एक मोबाइल में देख ले, और एक जो उत्तरम को 15 साल हो गए। हाउ स्वीट, आपको पता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माइक नीचे ले पांडे थोड़ा। क्या कुछ कहना चाहेंगे उत्तरम के बारे में? 15 साल हो गए, आज कैसे फील हो रहा है? आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी दुबई गई थी मेरे बर्थडे के लिए, और वहाँ पे भी मतलब 80% लोग मुझे पहचानते हैं इच्छा के किरदार के रूप में।
सो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फीलिंग, एक खुश फीलिंग होती है कि यू नो आज के डेट में भी 15 साल हो गए उस शो को, मतलब शो के ऑन एयर होके 15 साल हो चुका है और आई थिंक शो के ऑफ एयर जाते हुए 10 साल हो चुका है, बट लोग आज भी पहचानते हैं और आज भी उस शो को इतना दिल से याद करते हैं. सो डेफिनेटली वो माइलस्टोन है, वो एक डिफरेंट शो है जो शायद दूसरा कभी इस दुनिया में बन ही नहीं सकता. सो उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, आप सबका भी, ऑडियंस का भी, मेरे प्रोड्यूसर का, चैनल का, जिन्होंने मुझे कास्ट किया और ये मौका दिया. और यू नो इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी. इस बार का बर्थडे आप दुबई में सेलिब्रेट किए, मुंबई में नहीं किए. फादर्स के साथ, फादर के साथ वो भी किस तरह का क्या था थोड़ा सा? मैं एक्चुअली यहाँ पे आजकल, अभी आप लोगों ने देखा होगा इतने टाइम से आप लोग जानते हैं तो बहुत टाइम हो गया कि मैं यहाँ पे सेलिब्रेट करती नहीं हूँ. यू नो आई डोंट थ्रो पार्टीज एंड ऑल ऑफ दैट, मैं अपने लिए चीज़ें करती हूँ. लाइक लास्ट ईयर मैं सदगुरु के आश्रम में थी अकेले. इस साल पापा को बहुत मन था बहुत टाइम से दुबई जाने का, मम्मी को भी जाने, मम्मी भी जाने वाली थी बट कुछ फैमिली इमरजेंसीज की वजह से मम्मी नहीं जा पाई और मैं और पापा ही गए. सो डेफिनेटली बहुत मज़ा आया, बहुत घूमे एंड इट वाज मोर लाइक मेरे बर्थडे में डैड का कोई विश फुलफिल करना था. आपका शो हम रहे या ना रहे, ना रहे, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो ऑफ एयर हो गया है अभी बट डेफिनेटली लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. और जेन्युइनली हम रहे ना रहे भी एक ऐसा शो है जो बहुत लोगों ने देखा है, इवन दुबई में भी लोग वो शो देखते थे. सो अच्छा लगता है जब वर्ल्ड वाइड लोग आपको पहचानते हैं आपका शो देखते हैं. जब इंडिया की तो बात अलग है, इंडिया में सभी जब आउटसाइड जब आपको रिएक्शन इस तरह से मिलते हैं तो क्या फीलिंग्स रहती है उस वक्त? क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते मैम. मतलब मैं शॉपिंग भी जाती थी, मॉल जाती थी या कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाती थी ना, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना उतरन देखते थे. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं दुबई पहली बार गई हूँ, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम. इसके पहले भी मैं जितनी बार गई हूँ ना, मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, अ लॉट ऑफ इंडियंस वहाँ पे रहते हैं. सो डेफिनेटली लोग जब आपको इस तरह से पहचानते हैं और यू नो इतने खुश होते हैं आपके बारे में, अच्छे बोलते हैं, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा. एक क्वेश्चन और मैं बिग बॉस रिलेटेड पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं इस बार जो टीआरपी लो है बिग बॉस की और जितने भी कंटेस्टेंट है वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि मुझे बाहर जाना, मुझे बाहर जाना. इसके पहले इस तरह से सिनेरियो नहीं रहता था, इस पर क्या टेक है आपका? आई थिंक अंदर बहुत अलग माहौल होता है, आपको टारगेट किया जाता है, चीज़ें बहुत डिफरेंट होते हैं. सो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन लेवल हो ही जाती है और जब बार बार आप ही को बोला जाता है सो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी अलग हो ही जाती है. तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे नहीं करना है, मुझे घर जाना है. आपको क्या लगता है कौन है? एक ही तो फेस ऑफ द शो है, उसी को ही तो वाइट वॉश कर रहे हैं तो फिर उसी को ही जिताएंगे ना. इट्स सो कॉमन एंड सो सिंपल. अगर आप एक को इतना वाइट वॉश कर रहे हो, उसका कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा रहे हो और पूरा टाइम उसी के बारे में अच्छा अच्छा दिखाओगे तो उसी को ही ट्रॉफी मिलेगा और क्या होगा. आपके से मुनावर के बारे में बोल रहे हो? आई लव मुनावर, आई विश मुनावर को ट्रॉफी मिल जाए. तो किसे, अंकिता मैम के बारे में? पता नहीं मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, जो समझदार है उनको समझदार को इशारा काफी होता है. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, बाय बाय. हेलो मैम, ऐसा ये ना बारस में मैम, ये साइड आ जाइए ना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आइए ना. कैसे हो? क्या बहुत बढ़िया मैम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर, यहाँ पर आइए जी, इधर आइए. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे. Come on, last. Thank you. Bye. आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब